अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जैज BVS डिवाइस के हवाले से कि कैसे आप इसमें किसी कस्टमर का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। एग्जांपल, आपके पास एक कस्टमर आ जाता है कि वो कहता है मैंने अपना जैज कैश का अकाउंट बनवाना है, तो वो आप कैसे बना सकते हैं। उसके बाद आप इसमें जैज कैश अकाउंट की बायोमेट्रिक वेरीफिकेशन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम अपनी डिवाइस को लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के लिए फ्रेंड्स, हमारे पास जो जैज कैश अकाउंट रजिस्ट्रेशन वाला मेन्यू है, इस पर हमने क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब हमने फ्रेंड्स इस डिवाइस को लॉगिन करना है, तो लॉगिन करने के लिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे अपना जो MPN है वो अपना एंटर करना होता है, जैसे कि मेरा पिन है जो भी मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करूँगा, तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स हमारे नंबर पे एक बायोमेट्रिक सिक्योरिटी पिन सेंड किया जाता है, जो कि आपने इसमें पिन करना होता है, फिर ही जाके आपकी BVS डिवाइस लॉगिन होती है। तो चले ये आपको मैं ये जो पिन कोड है वो पिन करके दिखाता हूँ। तो जैसे ही मैं फ्रेंड ये पिन कोड अपना पिन करूँगा, उसके बाद फ्रेंड मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड मैंने जो ऑप्शन है, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो सबमिट की ऑप्शन है इस पर क्लिक करूँगा। तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो इंटरफेस में फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि न्यू अकाउंट क्रिएट वाली जो ऑप्शन है, इसमें अगर हम करेंगे न्यू अकाउंट रजिस्ट्रेशन वाली ऑप्शन पर क्लिक, तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें हमने पहले अपने कस्टमर का CNSE नंबर एंटर करना होता है, उसके बाद मोबाइल नंबर एंटर करना होता है, उसके बाद फिर मोबाइल नंबर एंटर करना, मतलब कि दो दफा मोबाइल नंबर और एक दफा CNSE नंबर। उसके बाद जो थंब वाली ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करना होता है, मतलब जो आप कस्टमर का थंब लगवाना चाहते हैं, मतलब कि अगर राइट लगवाना चाहते हैं तो इसमें राइट वाली साइड पे क्लिक करें, और अगर आप लेफ्ट लगवाना चाहते हैं तो लेफ्ट वाली साइड पे क्लिक करके उसके बाद आपने सेंड पे क्लिक करना होता है। तो उसके बाद आपका ये अकाउंट सक्सेसफुल रजिस्टर्ड हो जाता है, मतलब अकाउंट क्रिएट हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं बायोमेट्रिक वेरीफिकेशन वाली ऑप्शन की। बायोमेट्रिक वेरीफिकेशन में आप फ्रेंड किसी भी कस्टमर का जैज कैश का जो अकाउंट की जो वेरीफिकेशन होती है वो आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास जो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो इंटरफेस ओपन होने के बाद फ्रेंड हमने यहाँ पे उस कस्टमर का CNSE नंबर एंटर करना होता है, जिसकी हम अकाउंट की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करना चाहते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपने कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर करना होता है, जिस पर उसका जैज कैश का अकाउंट बना हुआ हो, जैज कैश अकाउंट जिस पर बना हुआ हो वो नंबर आपने एंटर करना होता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट वाली ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना होता है, और उसके बाद आपने यहाँ पर थंब सेलेक्ट करना होता है, जो भी अगर राइट है तो राइट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेफ्ट है तो लेफ्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। और थंब सेलेक्ट करने के लिए फ्रेंड्स एग्जाम्पल आपको मैं थंब सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। जो आपने जो सेंड पर ऑप्शन जो थंब वाली ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, उसके बाद आपने यहाँ पर कस्टमर का थंब लगवाना है। एग्जाम्पल जैसे मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर जो थंब लगा लिया, सेम टाइम में आपने लगवाना होता है, मतलब कि टाइम में थोड़ा भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए थंब, जैसे कि आप इस तरह का आपको नजर आए। तो उसके बाद आपने यहां पे सेंड पे जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके आपने अपना पिन एंटर करना होता है, तो आपका जो अकाउंट होता है, जो मतलब जो कि कस्टमर का अकाउंट है, वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल पर